Hi friends. Hi friends. Hi friends. Hi friends. Hi friends. Hi friends. This is Anamika and welcome to my YouTube channel Anna's Recipes. To subscribe my channel, click on the subscribe button and get the regular updates about my recipes. लौंग वाली गुजिया बनाने के लिए हमें चाहिए मैदा 2 कप, घी 3 से 4 टीस्पून और घी चाहिए फ्राई करने के लिए। फिलिंग के लिए हमें चाहिए मावा 50 ग्राम, बादाम 1 टेबलस्पून, काजू 1 टेबलस्पून, ड्राई कोकोनट 2 टेबलस्पून, बूरा 1/2 कप और इलायची 4 से 5। सबसे पहले हम लगाएंगे डो और मैदे में मिलाएंगे थोड़ा सा घी और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। हम इस तरह से चेक कर लेंगे कि जो हमने घी डाला है वो ठीक है या नहीं। अब थोड़ा थोड़ा पानी लेके एक आटा गूंदेंगे। हमें पराठे के लायक आटा बनाना है तो इस हिसाब से हमारा आटा बनना चाहिए। ये देखिए आटा रेडी है। थोड़ा सा घी डाल के इसे और चिकना कर लेते हैं और फिर हम इसे ढक के रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट। ये रख देते हैं इसे। अब काटते हैं मावा। मावा में मैंने बादाम काजू काटा है। डाल देते हैं कोकोनट और बूरा और अच्छे से इसे मिक्स कर देते हैं। अब डालते हैं इलायची पाउडर और फिर से मिक्स कर देते हैं। हमने मैदे और इसका एक घोल बनाया है जिससे हम गुजिया को चिपकाएंगे। ये आटा अब रेडी है। इसके छोटे छोटे पूरी जैसे बॉल्स हम तोड़ लेते हैं और तोड़ के इनके राउंडल्स बना लेते हैं दोनों हाथों से। इसे अब हमें बेलना है। हम पूरी के शेप में इसको अच्छे से बेल लेते हैं। बीच में हम लगाएंगे स्टफिंग करीब 1/2 चम्मच। स्टफिंग ज़्यादा ना बढ़े वरना ये टूट सकता है। अब मैदे के खोल की मदद से इसे एक चौकोर आकार दे देंगे। देखिए इस तरह से ये हमने लगाया और फिर ये वाला हिस्सा करके हमने इसे सील कर दिया और हम बीच में लगा देंगे एक लौंग जिससे कि ये पैक हो जाएगा। एक और ट्राई करते हैं। बीच में भरते हैं मावा, उसको सील कर देते हैं। लौंग लगा देते हैं और इसी तरह से हम अपने बाकी गुंजिया भी रेडी कर लेते हैं। अब हमने एक कढ़ाई में घी चढ़ा दिया है। घी को हम गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद इसको सिम गैस पे हम इसे तलेंगे। हमारी सारी गुजिया को हमें घी में तलना है। हमें सिम गैस पे इन्हें तलना है। इसको तलने में हमें 10 से 15 मिनट लग जाएगा। ध्यान रहे कि हम इसे सिम गैस पे ही तलें वरना ये करारी नहीं बनेगी। देखिए 10 से 15 मिनट तलते हो गया है और अब ये तल गई हैं। मैं इन्हें निकाल रही हूँ। ये एकदम रेडी हो गई हैं। अब मैं बाकी की भी तल देती हूँ इसी तरह। अब हम चढ़ाएंगे चाशनी। मैंने 1 कप चीनी और 1 कप पानी लिया है। इसे उबाल देते हैं और हम बना लेते हैं करीब 1 तार की चाशनी। ये देखिए ये एकदम रेडी है। इस चाशनी में हम इन गुंजिया को लपेटेंगे और इस सारी गुंजिया इसी तरह से हम चाशनी के ऊपर डाल देंगे। चाशनी बनाना ऑप्शनल है अगर आपको मीठा थोड़ा ज़्यादा पसंद है, जबकि गुंजिया में मीठा थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने चाशनी बनाई है। अगर आप चाहें तो बिना चाशनी के भी इसे खा सकते हैं।
करके देखिए। सारी गुंजिया पे चाशनी इस तरह से लगा देनी है। इसे आप प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारी लौंग वाली गुंजिया खाने के लिए एकदम रेडी है।